आर्यन मोटिवेशनल स्पीकर से मैं राम नारायण। दोस्तों आइए कुछ कानून की बात जानते हैं। सीपीसी सिविल प्रक्रिया संहिता के ऑर्डर 1 में वादों के पक्षकार के बारे में बात कहा गया है। न्यायालय में वाद पत्र दाखिल करते समय वाद पत्र में इन चार बातों का होना जरूरी होता है। पहला, वादों के पक्षकार। दूसरा, विषय वस्तु। तीसरा, वाद हेतु। और चौथा, अंतोष। इसमें वादों के पक्षकार ऑर्डर 1 में इसके बारे में बात कहा गया है। वाद पत्र में पक्षकार कौन कौन होंगे, वादी कौन कौन होगा और प्रतिवादी कौन कौन होगा, यह बहुत मायने रखता है। आइए एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। ए की संपत्ति में बी और सी कब्जा करने की कोशिश करते हैं तो ए बी के प्रति वाद दाखिल कर सकता है और सी के प्रति वाद दाखिल अलग से कर सकता है। यदि ए चाहे तो दोनों को ज्वाइंट प्रतिवादी बनाकर वाद दाखिल कर सकता है। दूसरा, यदि ए बी और सी की संपत्ति में कब्जा करने की कोशिश करता है तो बी वाद ए के प्रति दाखिल कर सकता है और सी अलग से वाद ए के प्रति दाखिल कर सकता है, या चाहें तो बी और सी आपस में मिलकर के ए को प्रतिवादी बना करके मुकदमा दाखिल कर सकता है। वाद के पक्षकार सही होने चाहिए। ऑर्डर 1 में इसके बारे में बातें कही गई। दोस्तों ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद।